हे गाइस, वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। तो जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने श्वसन तंत्र का लेसन प्लान डिस्कस किया था और कहा था कि अगला जो टॉपिक होगा हमारा लेसन प्लान का वह होगा मृदा पर। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक मृदा का लेसन प्लान हमें कैसे लिखना है, कैसे बनाना है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी, पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये है हमारा पाठ योजना संख्या 16वें नंबर का, क्योंकि ऑलरेडी हमने 15 पाठ योजनाओं पर चर्चा कर लिया हुआ है। आपको चैनल पर सिर्फ 15 ही नहीं, फिजिकल साइंस हो या बायोलॉजिकल साइंस या अदर जो भी सब्जेक्ट हैं उसके हर एक सब्जेक्ट का लेसन प्लान आपको मिल जाएगा, हर एक टॉपिक का। प्लेलिस्ट तैयार है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, मैं लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पाठ योजना संख्या, ये हमारा मृदा का। छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक का नाम, प्रशिक्षण केंद्र, दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, चक्र, अवधि, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद सीधा आते हैं हम अपने प्रकरण पर। तो आज का हमारा प्रकरण क्या है, मृदा है, हमें पता है, ठीक है। ये लिखने के बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में 7-8 पॉइंट्स लिखते हैं, जैसा कि हम ऑलरेडी बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है। लगभग आपको चैनल पर 100 से ही अधिक लेसन प्लान की वीडियो मिल जाएगी, तो हर एक लेसन प्लान की वीडियो में हमने ये बातें समझी हुई हैं, तो आई होप अब उसको दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए पूर्ववत लिखते हुए या तो आगे बढ़ते हैं, या तो अगर आपके कॉलेज के फॉर्मेट में होगा कि सारा ये लिखना है 7-8 पॉइंट्स, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से देख के, ठीक है। इसके बाद हम अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखते हैं, जिसे विशिष्ट उद्देश्य भी हम कहते हैं। तो इसमें पहला जो लिखते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे कि छात्र मृदा का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर बोधात्मक आता है, तो बोधात्मक में लिखते हैं छात्र मृदा की व्याख्या कर सकेंगे। और उसके बाद क्रियात्मक उद्देश्य में लिखते हैं कि छात्र मृदा के प्रयोग को दैनिक जीवन में समझ सकेंगे। ये हो गया विशिष्ट या अनुदेशनात्मक उद्देश्य हमारा। आगे बढ़ते हैं सहायक सामग्री पर। तो सहायक सामग्री में आप जो भी चीज़ें टीचिंग के दौरान यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें लिख लेते हैं, जैसे लपेट सैंपल पर बना हुआ चित्र या चार्ट पर बना हुआ चित्र, ये भी आप लिख सकते हैं। जो भी चीज़ें मतलब यूज़ करेंगे वो आप लिखेंगे। शिक्षण विधियाँ में पता है प्रश्नीकरण विधि, व्याख्यान विधि और प्रयोग प्रदर्शन विधि लिखते हैं। उसके बाद पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्र मृदा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आते हैं हम अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है प्रस्तावना का प्रश्न। प्रस्तावना का प्रश्न लिखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे कि किसान अन्न मतलब कि अनाज कहाँ उगाता है, तो खेतों में उगाता है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं कि खेतों में अन्न की फसलें उगाने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, तो मिट्टी, पानी, बीज, प्रकाश आदि आवश्यक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न करेंगे कि मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं, तो मिट्टी को मृदा के नाम से जानते हैं। ये हो गया तीन प्रश्न। इसके बाद चौथा लिखते हैं हम समस्यात्मक प्रश्न, जिसमें लिखेंगे कि मृदा के बारे में आप क्या जानते हैं। यहाँ पे जो है छात्र मौन या हो जाएंगे समस्यात्मक, तो यहाँ पे आप समस्यात्मक लिख देंगे, छूट गया है, ठीक है, समस्यात्मक, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, सही कर लीजिएगा, समस्यात्मक लिख के आगे बढ़ेंगे, ओके। इसके बाद उद्देश्य कथन लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे आज हम लोग मृदा के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद अनुदेशनात्मक प्रक्रिया आता है, जिसमें लिखते हैं प्रस्तुत अनुदेशनात्मक प्रक्रिया को 3 शिक्षण बिंदुओं में प्रस्तुत किया गया है, जो क्रमशः मृदा, मृदा के प्रकार व मृदा अपरदन तथा मृदा संरक्षण है। ये आप जो तीनों शिक्षण बिंदु लिखते हैं वो यहाँ पे अनुदेशनात्मक प्रक्रिया में लिख देते हैं कि ये अनुदेशनात्मक प्रक्रिया को इतने शिक्षण बिंदुओं में जो टॉपिक होता है ये है। ये लिखने के बाद हम आते हैं पहला शिक्षण बिंदु क्या है, मृदा, ठीक। तो अब इसमें विकासात्मक प्रश्न पहला करेंगे कि गाँव में लोग सबसे अधिक क्या करते हैं, तो गाँव में सबसे अधिक क्या होती है, खेती करते हैं। दूसरा, अन्न किस में उगाया जाता है, तो अन्न खेतों में उगाया जाता है। इसके बाद आप तीसरा मौन प्रश्न करेंगे कि मृदा से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे जो है छात्र हो जाएंगे मौन, छात्र मौन लिख के आप ठीक उसके नीचे लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यान से सुनते हैं, और फिर स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण लिखेंगे, इसमें लिखेंगे पृथ्वी के ऊपरी सतह पर महीन कणों से बनी हुई पतली परत मृदा यानी कि मिट्टी कहलाती है। इसमें महीन धूल कणों के अलावा रेत, बजरी, कंकड़,
पत्थर, खनिज पदार्थ, जीवाश्म पदार्थ, हवा तथा जल आदि पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष भी पाए जाते हैं, जिसे ह्यूमस कहते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें भी आप लिखेंगे, आगे लिखेंगे इसी में। और ये मृदा को उपजाऊ बनाते हैं। ये हो गया हमारा पहला शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण। इसके बाद श्यामपट कार्य की ओर बढ़ते हैं। श्यामपट कार्य में आप टीचिंग के दौरान जो भी चीज़ें लिखते हैं वो यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप ये लिख लेंगे। ठीक है, यही सारी चीज़ें आप यहाँ पे भी लिखते हैं। ओके, इतना क्लियर है, इतने का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम दूसरा शिक्षण बिंदु देखेंगे, जो है मृदा के प्रकार। अब है दूसरा शिक्षण बिंदु हमारा। इसमें पहला क्वेश्चन है विकासात्मक प्रश्न कि मृदा में क्या क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है। तो मृदा में कण, रेत, कंकड़, पत्थर, खनिज पदार्थ आदि पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ह्यूमस मृदा को क्या बनाते हैं, तो ह्यूमस मृदा को उपजाऊ बनाते हैं। ठीक, इसके बाद तीसरा प्रश्न लिखेंगे मौन प्रश्न की, मृदा कितने प्रकार की होती है। यहाँ पे जो है छात्र मौन हो जाएंगे और आप स्पष्टीकरण देंगे। तो स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि भारत में मुख्यतः 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। अब 6 प्रकारों के नाम लिख देंगे। पहला है जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल पीली, लेटेराइट, मरुस्थली या शुष्क मृदा और पर्वतीय मृदा। ये 6 प्रकार के नाम लिखेंगे पॉइंट में करके, उसके बाद एक एक को लिखेंगे। जैसे पहला जलोढ़ मृदा, इसमें लिखेंगे यह सबसे उपजाऊ मृदा होती है। यह नदियों के द्वारा अपने साथ बहाकर लाए गए मलवा के जमाव से बनती है। ठीक, दूसरा है काली मृदा, इसमें लिखेंगे लावा की चट्टानों के टूटने फूटने से इस मृदा का निर्माण होता है। इसे कपासी या रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। उसके बाद तीसरा लिखेंगे लाल पीली मृदा, इसमें लिखेंगे इस मिट्टी का निर्माण प्रायद्वीपीय पठारी भाग में पुरानी चट्टानों के टूटने से होती है। और फिर चौथा लिखेंगे लैटेराइट मृदा, इसमें लिखेंगे यह मृदा गर्म और अधिक वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है। पोषक तत्वों के अभाव में यह कम उपजाऊ होती है। फिर पांचवा आते हैं हम अपने मरुस्थली या शुष्क मृदा में, लिखेंगे इस मिट्टी में तिलहन फसलों को उगाया जाता है। और आखिरी है पर्वतीय मृदा, इसमें लिखते हैं यह मृदा पर्वतीय एवं पहाड़ी भागों में पाई जाती है। ये तो हो गया हमारा दूसरे शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण। अब यहाँ पे आते हैं हम श्यामपट कार्य में, देख सकते हैं यहाँ पे किया हुआ है मृदा के प्रकार, सब प्रकार को आप लिख देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं हमने तीसरे शिक्षण बिंदु की ओर। तीसरे शिक्षण बिंदु की ओर आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने अभ्युदय क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब, और आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, अभ्युदय क्लासेस यूपी से जुड़ना नहीं भूलेंगे। ये है तीसरा शिक्षण बिंदु हमारा, मृदा अपरदन तथा मृदा संरक्षण। इसमें विकासात्मक प्रश्न है, जो पहला है वह है सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी है। दूसरा, रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहते हैं, तो काली मिट्टी को कहते हैं। उसके बाद मौन प्रश्न करेंगे कि मृदा अपरदन तथा मृदा संरक्षण के बारे में आप क्या जानते हैं। यहाँ पे जो छात्र हैं लिख देंगे आप मौन। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अपने स्पष्टीकरण की ओर। सबसे पहले मृदा अपरदन को बताएंगे और उसके बाद मृदा संरक्षण को। ठीक है, तो स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि मृदा के कटाव तथा उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। इससे मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है। फिर मृदा संरक्षण को बताएंगे कि मृदा अपरदन को रोकने और उसके उपजाऊपन को बनाए रखना मृदा संरक्षण कहलाता है। ये सारी चीज़ें तो हो गई स्पष्टीकरण हमारी। उसके बाद आप श्यामपट कार्य में लिख लेंगे जो भी चीज़ें आप टीचिंग के दौरान बच्चों को बताएंगे, ब्लैक बोर्ड पर लिखवा के समझाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम निरीक्षण कार्य पर। हाँ, एक चीज़ और, निरीक्षण कार्य को समझने से पहले और पुनरावृत्ति के प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जो अगला टॉपिक होगा हमारा वह होगा प्रकाश संश्लेषण। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें अगर आपको किसी भी टॉपिक का लेसन प्लान चाहिए। तो निरीक्षण कार्य में लिखेंगे छात्र अध्यापिका द्वारा छात्रों को श्यामपट कार्य उतारने का निर्देश दिया जाएगा तथा कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हुए निरीक्षण कार्य किया जाएगा। ठीक है,
इसके बाद पुनरावृत्ति का प्रश्न लिखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है मृदा से क्या तात्पर्य है, दूसरा मृदा कितने प्रकार की होती है, तीसरा है मृदा अपरदन किसे कहते हैं, और चौथा है मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं। ये हो गया हमारा पुनरावृत्ति का प्रश्न। इसके बाद गृह कार्य लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे सभी छात्र घर से मृदा के बारे में लिखकर लाएंगे। और इसी के साथ यहीं पर होता है हमारा पाठ योजना समाप्त। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर नहीं करना भूलेंगे, ठीक है। थैंक यू।